हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पाव। जी हाँ, ये मुंबई का फेवरेट स्ट्रीट फूड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मसाला पाव बनाना। सबसे पहले एक पैन में हम बटर लेंगे। और इस बटर को अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये बटर करीब 2 बिग स्पून। अब ये बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़। मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से काट के रखा हुआ है, बारीक काटा है। आप इसे डाल के 2 मिनट तक इसे अच्छे से सॉटे करें मीडियम आंच पे। और अब इसमें बारीक कटे हुए अनियंस ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए थे। आपके अगर छोटे अनियंस हैं तो आप उसे 3 या 4 ले सकते हैं। और फिर इसे हम 5 मिनट तक सॉटे करेंगे मीडियम आंच पे। 5 मिनट तक सॉटे के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च यानी ग्रीन कैप्सिकम। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और फिर इन दोनों को भी मैं 5 मिनट तक अच्छे से सॉटे करूंगी मीडियम आंच पे। अब आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट तक सॉटे हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ बारीक कटे हुए टमाटर और इसे भी मैं अब 5 मिनट तक अच्छे से सॉटे करने वाली हूँ। मैंने 1 कैप्सिकम इसमें डाला है और 4 छोटे आकार के टमाटर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैंने 1 बड़ा चम्मच यूज़ किया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। पाव भाजी मसाला 2 बड़ा चम्मच। और इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर। क्योंकि हमें इसे तीखा नहीं करना है, हमें इसका कलर बहुत अच्छा करना है, इसलिए हम यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले ही ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिया है। अगर आपको और भी ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर 1/4 कप वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। और इसे अच्छे से अब हम पकाएंगे। इसे पकाने में टोटल 10 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया है, हमें जैसा मसाला चाहिए। अब इसे मैं एक तरफ करूंगी और अपना पाव लूंगी जो पाव है और उसे बीच से मैं कट करूंगी। ये पहले आप देख रहे हैं कि मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। बटर डाल दी इसमें मैंने। अब आप देख सक रहे हैं ये मेरा पाव है। मैं इसे बीच से कट करके इसके इस बटर के ऊपर रखूँगी। और हम उसी पैन पे करेंगे क्योंकि ये मसाला पाव है तो हमें वही यूज़ करना है। और अब हम आंच को तेज कर लेंगे। और अब ये हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर और मसाला लगा देंगे अच्छे से। और इसे भी पलट देंगे और इसे भी लगा देंगे। और फिर इसको सेकंड वाले के ऊपर रख कर इसके ऊपर भी हम थोड़ा मसाला लगा देंगे।
अच्छे से, और तेज आंच पे 2 मिनट करीब इसे मैं तवे पे रखूंगी। अब इसे मैं निकाल लूंगी प्लेट पे, और इस तरीके से हमारा मसाला पाव तैयार हो गया। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। मसाला पाव बिना चाय के तो अच्छा लगेगा ही नहीं, इसलिए मैं चाय भी सर्व कर रही हूँ, क्योंकि ये इवनिंग स्नैक्स, जब तक चाय ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। और इसे मैं थोड़ा चीज़ से गार्निश कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो धनिया पत्ता से भी गार्निश कर सकते हैं, बट आजकल बच्चे बड़े सभी सबको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला पाव तैयार हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। आप भी जाइए और इसे एंजॉय कीजिए, और ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनेगा।